तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजी क्लासेस में। तो भैया, तो देखो, कल आपने बहुत गदर मचाई और मैं कह सकता हूँ कि तुमने अपना दिखा दिया कि भाई तुम्हारा खून बहुत गर्म है। कतई जहर आदमी हो यार तुम, एकदम कतई जहर आदमी हो। है, और कल लगभग 1,66,000 मेरा लास्ट सीन था, मैंने तब देखा था, और 1,66,000 लोगों ने ट्यूट किया। मतलब आपके लिए क्लैपिंग है भाई, गजब का। मतलब तुमने जोश दिखाया और उसका बेनिफिट भी हुआ। चार प्रश्न मेरे पास है, उनके उत्तर में दे करके वीडियो को ख़त्म करूंगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं। और मेरा आपसे निवेदन है, देखो एजे जितना ही बात बोलता है वो एकदम सही होता है, और मेरी ही बात को अब सब रिपीट कर रहे हैं यूट्यूब में, देख लो जा करके। मैंने बोला, सब क्या गाना गा रहे थे कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कहाँ ये अक्टूबर वाले भाई, कहाँ है ये? डेली जो दो दो घंटे वीडियो डालते वो है कहाँ? हमने बोला था नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, और तब ही नोटिस आएगा, इससे पहले नहीं आने वाला। ठीक है, मेरे सोर्स अलग हैं, और जो बोल रहे हैं ना एग्जाम जनवरी में होगा, वो भी अब थोड़ा रुक के रहे, वीडियो को पूरा देखे, अभी मैं समझा दूंगा एग्जाम कब होगा और नोटिस कब तक, एग्जैक्टली नोटिस कब तक आ पाएगी। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल जो आपने अपना साथ दिया, और कल मेरी ट्विटर आईडी पूरी तरह से लॉक हो गई, बैन हो गई, जो भी आप बोलिए। 3 घंटे मैंने बहुत, देखो मैं वो नहीं हूँ कि मैंने रास्ता दिखा दिया, जाओ बेटा चलो, नहीं, मैं आगे आगे चलूँगा। मैंने ट्यूट किए हैं 400-500 प्लस ट्यूट मैंने अकेले किए हैं, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। और 4 लड़के मैंने बुलाए यहाँ पे कि जब मैं कह रहा हूँ ना तो मैं अकेले 2,000 ट्यूट करवाऊँगा, तब मैं बात करूँगा। मैंने हर एक बंदे को जा करके, चाहे वो PM साहब हो, चाहे वो CM साहब हो, चाहे वो अमित शाह हो, और यहाँ तक डिप्टी CM जो, उनको भी मैंने रिट्यूट किया है। मैं रास्ता देखूँ, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि मतलब शायद हम उठाएंगे। मेरी आईडी बैन हो गई है, क्यों हो गई मुझे खुद भी नहीं पता। आप देखेंगे मेरे ट्वीट्स कहीं नहीं दिखते हैं, एजी क्लासेस आप सर्च मारेंगे कहीं नहीं मिलेगा आपको ट्विटर पे। आपको लोग कहे होंगे पता नहीं ऐसे हो गए होंगे, नहीं भैया हो गई है, ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं की है, पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से मेरा ट्विटर अकाउंट क्या हो गया, बैन हो गया। तो मुझे उसकी इसकी चिंता भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं स्टूडेंट के लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जहाँ गलत होगा वहाँ एजे खड़ा होगा, ठीक है, परेशान ना होना। 4 चीज़ें बताऊँगा, तैयारी करना शुरू कर दो। पहली चीज़, सरकार का क्या बेनिफिट हुआ, आपको देखा होगा कि कल 5 बजे के आसपास नोटिस आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ जो UP है वहाँ पर नोटिस आ गया था कि भर्ती प्रक्रिया को थोड़ी तेज़ी बढ़ाई गई है, मीटिंग मीटिंग भी व्यवस्था की गई। बहुत यूट्यूब पर बोल रहे थे मीटिंग हो रही है, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब चूतिया बनाने वाला कारखाना, ठीक है, कहीं मीटिंग मीटिंग नहीं हो रही थी, इस चक्कर में ना रहो। आज के न्यूज़पेपर में कहीं मीटिंग मीटिंग के बारे में नहीं बताया गया है। और फिर उसमें ये भी बोल रहे थे कि सारे न्यूज़पेपर तो बिके, भाई सारा न्यूज़पेपर बिका नहीं होता है, फिर भी ये भी समझो, मतलब मन बुद्धि होगा यार, हम समझ नहीं पाता, हर कोई बिका नहीं होता है। और यदि मीटिंग के बारे में न्यूज़, भाई मीटिंग हो रही है तो सरकार तो चाहेगी कि ये बात न्यूज़ तक पहुँचे कि भैया बच्चे चिंता ना करें, मीटिंग हो रही है आपके लिए, है नहीं? तो ये सब मंद बुद्धि वाली बातें, बच्चे बच के रहें इनसे। तो फायदा आपके लिए हो गया, सरकार ने बोला है, CM साहब ने भी ट्वीट में मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें बोल रखी, उनके ट्विटर अकाउंट को आप चेक कर सकते हैं, इसलिए आपकी बात सुनी जा रही है। अब नोटिस कब तक आएगा, सबसे पहली चीज़, नोटिस भैया नवंबर से दिसंबर के बीच में बोला। अब चांसेस ये है, जितना आपने हंगामा किया है, जितनी गर्दा तुमने उड़ाई है ना, उसकी गर्दा CM साहब के ऑफिस तक पहुंचेगी, ठीक है, तो समझेंगे यार ये धूल कहाँ से आ रही है, तब वो हवा लेंगे और फिर मतलब आपकी गर्दा उड़ेगी, ठीक है। तो अब नवंबर में आने की काफ़ी 90% 90+ चांस है कि हो जाएगा, नवंबर में आ जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम कब तक हुआ, तो देखो एग्ज़ाम की एक समस्या ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में नहीं होगा, ठीक है, आपको बुरा लगेगा पर नहीं होगा। अभी यदि 20 नवंबर को भी नोटिस आता है तो 20 से 20 दिसंबर, और फिर इसके बाद 10-15 दिन ऐसे लगते हैं स्क्रूटनी के लिए, फिर उसके बाद सेंटर बुक किए जाते हैं, सेंटर बुक करने के बाद एडमिट कार्ड लॉन्च किए जाते हैं 10 दिन पहले, तो ये सब प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ठीक है, हलवा नहीं है कि मतलब ये सब टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, 10 लाख के आसपास अप्रोक्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका एग्ज़ाम जो होगा वो खुश हो जाएं आप लोग, एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होगा, इससे पहले नहीं होने वाला, ठीक है। और यदि इससे पहले हो जाए चैनल आ करके तुम तबीयत से गरियाना, ठीक है, मन भर गरियाना, ठीक है। वैसे तो हम चाहेंगे कि जल्दी हो जाए, पर जो मेरी कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से वो
मार्च तक खींचेगी, इससे पहले बहुत कम चांसेस मुझे दिख रहे हैं। पहले हो गया तो वो अलग चीज़ है, मगर मैं उसकी संभावना लेकर नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए टाइम आपके पास बहुत कम है, अक्टूबर निकल गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने हैं, फरवरी तो ऐसे उड़ जाएगी, जनवरी दिसंबर में ठंड बहुत पड़ती है, ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करो, नवंबर पूरा कवर करो अच्छे से, दिसंबर अच्छे से कवर करो आधा, और थोड़ा बहुत ठंडी वंडी कटेगा तो डेली रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मगर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ अभी से आप लग जाइए, बिल्कुल कसर मत करिए, और ट्राई करिए कि यूट्यूब से आप दूर रहिए, ठीक है। जितने भी UPSI वाले बंदे हैं इस वीडियो को सब तक शेयर कर देना कि भैया अब YouTube से थोड़ा दूर रहो, जो ये भ्रामक बातें लाते हैं तुमको पता चल गया क्या क्या होने वाला, अब जाने इनके चक्कर मत पड़ो, इनसे थोड़ा दूर रहो YouTube से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रेगुलेट होती रहती हैं, क्योंकि ऐसे अनपढ़ गंवार लोग भी यहाँ पर आकर के बनाने लगे हैं। एक दो चैनल को मैंने देखा ऐसी ऐसी न्यूज़ बनाता, भाई मेरा मूड खराब हो जाता है कि मतलब क्या कर रहा है, ठीक है। तो एकदम चिंता फ्री हो जाओ, अब तैयारी करो बेटा, तैयारी में मन लगाओ, फोकस करो और सिलेक्शन लेना। 4200 ग्रेड की नौकरी यार, कोई मतलब छोटी मोटी 1900-2800 ग्रेड की नहीं, 4200 ग्रेड की नौकरी है यार, ठीक है। उसके लिए मेहनत लगती है, 2 महीने में तैयारी नहीं होती है, और हो भी जाएगी ना सिलेक्शन नहीं होगा उससे, इसलिए जान लगाओ। और जान कम लगती है जब रूम में बैठ करके अकेले शांत मन से किताब में मंथन कर दो, ठीक है। कम सो, कम खाओ और कम बातें करो और तैयारी ज़्यादा करो, ये आपके लिए समय है। मेरा आपसे अनुरोध इतना ही रहेगा, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ो, उसके लिए पढ़ो जिसको तुम पसंद करते हो, उसके लिए पढ़ो, पढ़ो भाई मेरे पढ़ो, अन्यथा YouTube पे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं भी अब वीडियो बहुत कम बनाऊँगा अब, क्योंकि अब मेरे पास भी बहुत कम समय है नहीं, तो YouTube पे अब ज़्यादा ज़्यादा मैं भी नहीं आऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके समय बर्बाद हो। आपको लेक्चर देखने हैं, जब कोई लेक्चर देखना हो तो प्लीज़ अपलोड कमेंट आपको कर देंगे, तो कमेंट मेरे पास सीधे पहुंच जाएगा, तो मैं आपका वीडियो लेक्चर कोई अपलोड करके बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। बाकी मैंने काफ़ी सिलेबस कवर कर रखा, और जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी वैसे ही फिर मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी तब तक मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि भैया यही समय है, अभी तैयारी करो मेहनत से और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच आपका अभियान के लिए, और मैं क्या बोलूँ, सब ठीक है नहीं, और बाकी अपना प्यार आप बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तक ये पहुँचाएं। ओके, थैंक यू सो मच।